एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल धनिये की पंजीरी। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई है तो जरूर जरूर ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है। ये देखिए, हमने सबसे पहले एक कप धनिया को अच्छे से छान लिया, इसके तिनके निकाल दिए, अच्छे से साफ कर लिया है। और ये जो गोला आता है ना, सूखा वाला नारियल, आप जब भी लें ना इसको कटवा के लें ताकि ये अंदर से फ्रेश रहे। इसको भी हमने देखिए ये ग्रेट कर लिया है। और ये लिया है मैंने आधा कप, एक ही कप मैंने मखाने लिए हैं, 20 मैंने ये लिए हैं बादाम, 20-22 के करीब, 15 काजू हैं, 2 टेबलस्पून हमने किशमिश ली है, 1 टेबलस्पून चिरौंजी ली है जिसको चारोली भी कहते हैं, एक ये 1/4 कप खरबूजे के बीज लिए हैं, देसी घी है, ये मैंने पीसी हुई मिश्री ली है, मिश्री को मैंने पीस लिया है, 3-4 इलायची को हमने कूट लिया है, इलायची के छिलके हम चाय की पत्ती में चाय में डाल देंगे और इसका जो पाउडर है वो हम यूज़ करेंगे। तो गाय के घी में और सब चीज़ें बहुत प्योर हैं, सब अच्छे से सफाई करके बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मिश्री का पाउडर लिया है हमने, धागे वाली जो मिश्री आती है ना उसको पहले अच्छे से कूट लिया और फिर मिक्सी में चला के उसका पाउडर बना लिया। तो आइए सबसे पहले धनिया सेक लेते हैं। सबसे पहले हम धनिए को ड्राई रोस्ट करेंगे स्लो फ्लेम पर, ताकि जब तक हम दूसरी तैयारी करें ना ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद हमें इसे पल्स मोड पे हल्का दरदरा पीसना है, बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर नहीं, बहुत हल्का सा दरदरा। तो धनिया भून लेते हैं, 1 से 2 मिनट लगेगी, हमें लगातार चलाते रहना है ताकि जले नहीं। और ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हमें हो गया है भूनते हुए। और आप ना टाइम का मत अंदाजा लगाइए, बस आप ये देखिए आपके जो गैस बर्नर है उसकी फ्लेम कैसी है, बहुत स्लो है तो टाइम लगता है ना, लेकिन हमें स्लो फ्लेम पर ही भूनना है ताकि ये जले नहीं, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे और ये क्रिस्पी हो जाता है, बहुत क्रिस्पी। तो अब हम सबसे पहले इसको निकाल कर ठंडा करते हैं। और ये ले लिया है हमने 1 टेबलस्पून गाय का घी। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये बादाम, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भी हमें स्लो फ्लेम पर भूनना है, बहुत बढ़िया बनती है, झटपट बनती है। और ज़्यादातर मंदिर में और इसमें ये धनिया की पंजीरी का प्रसाद मिलता है, काफ़ी टाइम तक भी रुक जाती है, पौष्टिक है। आप ये देखिए आंखों के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए जब हम पानी बॉईल करते हैं तो उसके धनिया और जीरा और सौंफ का यूज़ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं कि डाइजेस्ट अच्छा हो, तो धनिया बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए, बहुत अच्छा है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए, ये सब सामान घर में होता है, है ना। तो स्लो फ्लेम पर हम इसको भून लेते हैं। इसके साथ ही हम डाल देंगे काजू, काजू भी बहुत कम टाइम में भून जाता है, गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे। साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें ये मगज, ये बहुत जल्दी भून जाएगा सब कुछ ना, टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ ही ये चिरौली, चिरौंजी, चारोली, जो भी आप कहते हैं, साथ ही में हम डाल देंगे इसमें ये मखाना, सूखा नारियल ग्रेटेड, और अब इन सबको हम साथ साथ भून लेंगे। देखिए अच्छी आवाज आ रही है, और जितना ऑयल होता, अगर हम बार बार निकालेंगे ना इसको भूनने के बाद, तो प्लेट में लगा रह जाता है, घी वेस्ट होता है। और सबसे लास्ट में मखाने डालने का ये फायदा है कि जितना भी घी एक्स्ट्रा है वो ये मखाने अच्छे से सोख लेते हैं। तो बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है, कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। साथ ही डाल देंगे किशमिश, तो यानी हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब डाल दिए हैं। अगर आपको लगता है आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, जलना जाए, तो आप मखाने एक तरफ अलग से भूनकर भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो भुन गया है, गैस को ऑफ करते हैं। तो ये जो है अच्छे से भुन गए हैं, है ना, थोड़ा ठंडा होने की इंतज़ार करते हैं। और जो इलायची का चूरा था ना, वो हमने खुद ही फ्रेश पीसा था घर में, 4-5 इलायची लेके आप उनका छिलका चाय की पत्ती के लिए यूज़ कर लीजिए। और ये भी हमने ठंडा होने के बाद ना कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए, तो ये भी बहुत अच्छा पिस गया है।
और यहाँ पर मैं आपको मखाने दिखाऊँ, अच्छे से क्रिस्पी हैं, ये सॉफ्ट वाला, इसे तोड़ के दिखाती हूँ मैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए। तो आप इनको आधा आधा भी कर सकते हैं, मैं थोड़े से क्रश करूंगी, एक दो बादाम मैं काटूंगी, बाकी मैं एज इट इज रखूंगी। अब ये देखिए, कुछ तो मैंने ऐसे निकाल लिए हैं ऊपर गार्निश करने के लिए, और ऐसे ना चाकू की मदद से ठंडा होने के बाद आप ऐसे कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल पाउडर करने से अच्छा मुझे ऐसे टेस्ट इसका अच्छा आता है। और छोटे पीस कर सकते हैं, कुछ बादाम के छोटे कर सकते हैं, है ना, काजू के छोटे कर सकते हैं। तो ये आप ठंडा होने के बाद जैसे आपकी इच्छा है ना वैसे आप ये कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, देखिए कुछ बादाम को भी हमने कट कर लिया है, ये देखिए। अब हम डालेंगे इसमें ये धनिया, और अच्छे से हाथ साफ करके धोकर ये बनाइए भोग का जो प्रसाद है। और ये मिश्री भी ना आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं हाथ से ही इसको मिलाऊंगी, प्रसाद है इसलिए आप टेस्ट करके नहीं देख सकते, बट मैंने काफी कुछ मेजरमेंट के हिसाब से आपको दिया है। मिक्स करते हैं अच्छे से और प्लेटिंग करते हैं इसकी, गार्निश करते हैं तुलसी के पत्ते के साथ। और ये देखिए, हमने श्यामा तुलसी और ग्रीन तुलसी से इसको डेकोरेट कर दिया है, गार्निश कर दिया है, और ऊपर से जो हमने ये रखे थे ना थोड़े से सीड्स अलग और ड्राई फ्रूट्स, तो उससे भी हम ऊपर से ये गार्निश कर देंगे, इससे ये और सुंदर लगेगा। खाने में तो है ही बढ़िया, और प्रसाद तो हमेशा ही लाजवाब होता है। तो है ना मजेदार रेसिपी, जरूर कीजिएगा ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।